बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 आज हमारा टॉपिक है ऑस्लो रेगुलेशन एंड ट्रीटमेंट। ऑस्लो रेगुलेशन एंड ट्रीटमेंट, अब ऑस्लो रेगुलेशन बेटा क्या चीज होती है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्लो रेगुलेशन बच्चे क्या चीज़ होगी? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन और नियरली मेंटेन दी वाटर सॉल्ट एंड स्मूथ बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर का, साल्ट का और स्मूथ का बैलेंस जो मेंटेन होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज दी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ होम्यो बेटा होम्योस्टेसिस का तो आप लोगों को पता है क्या चीज होती है। मे बी लास्ट टाइम भी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन और नियरली मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एट फास्टिंग लेवल, इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस का एक आस्पेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑस्मो रेगुलेशन, रोल ऑफ किडनी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब किडनी क्या है जी, क्या रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन? रोल ऑफ किडनी, किडनी इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। एज वी नो दैट किडनी परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। किडनी दो फंक्शन परफॉर्म करती है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, दूसरा बेटे एक्सक्रीशन का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन क्या चीज है? एक्सक्रीशन ये है कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक या हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी आर हम इसको ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है, आ रही है समझ में बात? अब हम आएंगे जी ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ। एक्सक्रीशन के अंदर तो यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन के अंदर बहुत सारे ड्रग्स होती है, अल्कोहल वगैरह होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह मौजूद होंगे और कोई पॉइजनस जो ब्लड के अंदर होता है वो तमाम के तमाम यूरिन के जरिए से एक्सक्रीट होता है बॉडी के अंदर से। ये एक्सक्रीशन कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? किडनी परफॉर्म करती है। उसके बाद किडनी जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, इट इज कॉल्ड दी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। अब किडनी क्या करेगी? किडनी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होगी? ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन द बॉडी, ठीक है, जब ब्लड के अंदर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is more in the blood, जब वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो देन क्या होगा बच्चे? देन आपके पास देन लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्जॉर्ब, कम अमाउंट में जो वाटर है वो क्या होगा? री एब्जॉर्ब होगा। यानी कि जब हमने ज्यादा पानी पिया होगा है,
चार पांच गिलास पानी पी लिए ऊपर नीचे, तो तब क्या होगा, तब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रान है, नेफ्रान के अंदर जो प्रोसेस ऑफ री एब्जॉर्प्शन होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से, उसके अंदर से जो वाटर की री एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी जी, कम से कम होगी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज इन द बॉडी, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्जॉर्ब, व्हेन द लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्जॉर्ब, एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा बच्चे, रिजल्ट ये होगा कि मोर यूरिन इज फॉर्म, तब क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट में यूरिन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी, जो वाटर है वो यूरिन के जरिए से यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि व्हेन द कंसंट्रेशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन द ब्लड, एज अ रिजल्ट जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इसका ये होगा, रिजल्ट इसका बच्चे इस तरह से होगा, मोर या मैक्सिमम वाटर इज री एब्जॉर्ब फ्रॉम the distal या from the distal या proximal portion of nephron, nephron से जो water की reabsorption है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और then क्या होगा, then आपके पास ये होगा small amount of small amount of urine is small amount में जो urine है वो बनेगा, ठीक है। आगे समझे बात, तो इस तरह से body के अंदर क्या होगा जी, water conserve हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक हार्मोन है जो कि इस reabsorption के अंदर रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है जी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है जी, ADH बोला जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं रोल ऑफ ADH, रोल ऑफ ADH इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या रोल है। तो सबसे पहले ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके पास आ जाएगा, इसका ये फुल फॉर्म है, ये आ जाएगी। और ये रिलीज कौन करता है, पहली बात ये है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरी बात यह है इट इज रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब क्या होगा, व्हेन ये कब रिलीज होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन द ब्लड, यानी कि बॉडी जो होगी वो क्या होगी जी, डिहाइड्रेशन होगी बॉडी के अंदर, डी
हाइड्रेशन होगी बॉडी के अंदर, तो एज अ रिजल्ट दिस डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ADH। डिहाइड्रेशन क्या करेगी, डिहाइड्रेशन स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब है आगाज करना, उसको क्या नाम है स्टिमुलेट करना कि वो किसी चीज को रिलीज करे, इनकरेज करना किसी चीज को, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन। अब ADH हार्मोन कहाँ पे किडनी के अंदर रिलीज होगा, किडनी के अंदर जब ये रिलीज होगा बच्चे तो देन क्या होगा, देन जो डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल है और जो लूप सॉरी जो डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल है और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है यानी कि परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब इन दी ब्लड। ठीक है, उसके बाद जब आपका यूरिन जो है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन द यूरिन इज डाइल्यूट, क्या होगा, यूरिन डाइल्यूट होगा यानी कि व्हेन मोर वाटर इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब ये डाइल्यूट जो ब्लड है जब बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगी वाटर की तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ADH हार्मोन। ये मोर वाटर क्या करेगा, मोर वाटर क्या करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ADH। जब सिक्रीशन इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, जब सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी परमेबिलिटी डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल्स की वाल की और कलेक्टिंग डक्ट्स की वाल की परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो देन क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन या किडनी, तो एज अ रिजल्ट मोर यूरिन इज फाउंड। तो इस तरह से क्या होगा, किडनी जो है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, नेफ्रॉन बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन रखती जाएगी। उसके बाद जो किडनी है उसका एक और फंक्शन भी है, किडनी का एक और फंक्शन ये है कि ये सोडियम आयन का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रखती है बाय द प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। थैंक यू वेरी मच, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।